हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक ऑन टू लर्न की इस एपिसोड में। यहां पर हम एमसीक्यू टेस्ट लेने वाले हैं। इस एमसीक्यू की ज़रूरत क्यों पड़ी और हम क्यों ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, पहले उसका आंसर। ये न्यूज़ आई है चिट्ठियों से, ये आने वाली है कि फाइनल ईयर के अलावा सभी ईयर के स्टूडेंट की एमसीक्यू से एग्ज़ाम होगी, तो इसी वजह से हम एमसीक्यू ले रहे हैं। आज का टॉपिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिक्स्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए जो पढ़ रहे हैं I.C.Engine। आपको प्ले स्टोर में से जाके इंडिया बिक्स की ऐप डाउनलोड करनी है। इंडिया बिक्स ऊपर लिखा हुआ है, हियर इट इज़ रिटन इंडिया बिक्स, ये ऐप डाउनलोड करनी है। उसके अंदर जाना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्लिक करेंगे, वहाँ पर I.C.Engine न्यूक्लियर पावर प्लांट पे क्लिक करेंगे। हम पर वीडियो पांच ही सिर्फ एमसीक्यू लेने वाले हैं, तो बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है। अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेफरेंस फ्यूल फॉर नॉक रेटिंग ऑफ अ स्पार्क इग्निशन इंजन वुड इंक्लूड। अब ये कहना क्या चाहता है कि नॉक रेटिंग इसमें से क्या इंडिकेट करता है। तो ए आइसो ऑक्टेन एंड अल्फा मिथाइल एन हेप्टेन, बी नॉर्मल ऑक्टेन एंड एनिलिन, सी आइसो ऑक्टेन एंड नॉर्मल हेक्सेन, एंड डी नॉर्मल हेप्टेन एंड आइसो ऑक्टेन। तो ये जो है ना, वो नॉक रेटिंग की स्केल से डिपेंड करता है, यानी नॉक रेटिंग कैसे दी जाती है किसी भी इंजन को, देखते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, आपके सामने एक इमेज है जहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ हेप्टेन। ये वर्ड बहुत मीनिंगफुल है, हेप्टेन, और दूसरा है वॉल्यूम ऑफ आइसो ऑक्टेन, और यहाँ पर ऑक्टेन नंबर डिफाइन किया जाता है, और ऑक्टेन नंबर ही नॉक की रेटिंग तय करती है। यानी कि ऑक्टेन नंबर अगर जिस फ्यूल का हाई है उस फ्यूल में नॉकिंग टेंडेंसी कम होती है, और ऑक्टेन नंबर जिस फ्यूल का लो है उस फ्यूल में नॉकिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि ऑक्टेन नंबर आइसो ऑक्टेन जैसे बढ़ता है, 100 हुआ, आइसो ऑक्टेन का जो भी पॉइंट है उतना ही ऑक्टेन नंबर रहता है, यानी एन हेप्टेन जब तक वो बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ऑक्टेन नंबर कम होता जाएगा। अब आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होगी कि नॉकिंग होता क्या है। नॉकिंग यानी कि, देखते हैं नॉकिंग के बारे में। नॉकिंग में एक हम सिलेंडर ले लेते हैं, ये सिलेंडर है, यहाँ पर स्पार्क प्लग लगाया गया है, दिस इज सिलेंडर और ये है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग लगाया गया है, सिलेंडर है, तो फ्लेम कैसे बनेगी, फ्लेम यहाँ से आगे जाएगी, करेक्ट। अब होता क्या है कि फ्लेम आगे जाने से पहले फ्लेम ऐसे प्रपोगेट होती है, मगर सिलेंडर के वॉल का टेम्परेचर या फिर पिस्टन के हेड का टेम्परेचर, ये पिस्टन का हेड है, पिस्टन के हेड का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि फ्लेम आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर जो फ्यूल है वो इग्नाइट हो जाते हैं, ये अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर गेन कर लेते हैं। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, नॉकिंग कहते हैं। और ये फिनोमिना अगर हो गया तो क्या होगा कि ऊपर से जो जोर लगना चाहिए था वो नहीं लगेगा, अब यहाँ से ये स्पोर्ट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में पिस्टन को मूव करेंगे। तो ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस है, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो आपने समझ लिया कि नॉकिंग क्या है। फिर से मैं आपको टेबल दिखा दूँ, यहाँ पर हमें दो वर्ड देखने थे, हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन, जो नॉकिंग से हमारा काम करेंगे। ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा तो नॉकिंग नहीं होगी, ऑक्टेन नंबर कम होगा तो नॉकिंग होगी।
तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, नोकिंग किसको कहा जाएगा, एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन को, ये नोकिंग रेटिंग को इंडिकेट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, द डीजल इंजन आर आल्सो नोन एज, डीजल इंजन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, क्योंकि यहाँ पर स्पार्क नहीं होता है। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, स्पार्क दिया जाता है, हालांकि डीजल इंजन में क्या दिया जाता है, एक इंजेक्टर दिया जाता है, ओके। और पेट्रोल इंजन में इनपुट क्या होता है, एयर एंड फ्यूल मिक्सचर, किसके द्वारा, कार्बोरेटर के द्वारा। वहाँ पर ही डीजल इंजन में क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ एयर इनपुट रहती है और इंजेक्ट किया जाता है फ्यूल को, इसीलिए फ्यूल कम यूज़ होता है डीजल इंजन में एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। थर्ड क्वेश्चन, ओके थर्ड क्वेश्चन, इन अ फोर स्ट्रोक साइकिल द मिनिमम टेम्परेचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर अकर्स एट द, फोर स्ट्रोक साइकिल में कहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर बनता है ये बताना है हमें। तो इसके लिए हमें इसका डायग्राम देखना पड़ेगा। पहले देखते हैं कि ऑप्शन क्या दिए गए हैं, बिगिनिंग ऑफ द सक्शन स्ट्रोक, एंड ऑफ द सक्शन स्ट्रोक, बिगिनिंग ऑफ द एग्जॉस्ट स्ट्रोक एंड एंड ऑफ द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये तो कॉमन सी बात है कि एग्जॉस्ट में वो पूरी प्रोसेस होने के बाद टेम्परेचर ज़्यादा ही रहेगा, तो सी और डी ऑप्शन तो निकल जाते हैं। अब बचे बिगिनिंग ऑफ द सक्शन स्ट्रोक एंड एंड ऑफ द सक्शन स्ट्रोक, कॉमन सेंस तो यही कहती है बिगिनिंग ऑफ द सक्शन स्ट्रोक, फिर भी जब तक हम कोई डायग्राम नहीं देख लेते हैं तो हमें थोड़ी सी ऐसा लगता है कि हमने रट्टा मार लिया है, तो हम उसको भी क्लियर करते हैं, एक बार इसका डायग्राम भी देखते हैं। तो फ्रेंड आपके सामने फोर स्ट्रोक ऑटो साइकिल के आइडियल, ये है आइडियल और ये है एक्चुअल डायग्राम। अब देख सकते हैं आप एक्चुअल डायग्राम में कि इंटेक स्ट्रोक है ना वो नीचे से जा रहा है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक ऊपर से आ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट नीचे वाली लाइन का प्रेशर भी कम है और टेम्परेचर भी कम रहेगा, इसलिए एट द बिगिनिंग ऑफ द सक्शन स्ट्रोक सबसे कम टेम्परेचर ऑब्जर्व होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा ए, एट द बिगिनिंग ऑफ द सक्शन स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हीट एंड मिस गवर्निंग द फ्यूल सप्लाई इज कट ऑफ कम्प्लीटली ड्यूरिंग वन और मोर नंबर ऑफ साइकिल। क्या बता रहा है कि हीट और मिस गवर्निंग में, पहले तो ये पता नहीं होगा, वो थोड़ी देर में पता लग जाएगा, फ्यूल सप्लाई को कट किया जाता है एक या उससे ज़्यादा नंबर की साइकिल के लिए। तो देखते हैं हीट एंड मिस गवर्निंग क्या है और क्या ये किया जाता है, फ्यूल सप्लाई को कट किया जाता है या नहीं जाता है, देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने जो फिगर है वो हीट एंड मिस गवर्निंग की है। यहाँ पर मैं आपको फंक्शन बता देता हूँ पहले से कि ये केम जब घूमेगा तो यहाँ पर पंच करेगा। यहाँ पर पंच करने से क्या होगा कि ये जो टिंडल है वो इसको पंच करेगा, ये इसको पंच करेगा और यहाँ से फ्यूल बाहर निकलेगी, यानी गैस होंगे तो गैस, फ्यूल होंगे तो फ्यूल, यहाँ से बाहर निकलेगी। तो यानी ये हीट हुआ, क्या हुआ, हीट, ये हीट हुआ। अब मिस समझते हैं, ये हीट तो समझ लिया, अब मिस क्या है। तो क्या होता है कि जब ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर इंजन पे लोड नहीं होता है तो ज़्यादा स्पीड से इंजन घूमेगा, ज़्यादा स्पीड से घूमेगा तो क्या होगा कि ये जो बॉल्स हैं गवर्नर की, ये जो बॉल्स हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगे, ये बाहर की तरफ निकलेंगे तो क्या होगा, ये अपवर्ड मूवमेंट करेगा, ये अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो ये भी अपवर्ड मूवमेंट करेगा, ये अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो ये वाला जो लिंक है, ये वाला लिंक वो इस तरफ आ जाएगा पीछे की तरफ। अगर ये पीछे की तरफ आया तो एक्चुअली जो ये बना है वो इस तरह आ जाएगा और अब क्या होगा
कि केम घूमने के साथ ये यहाँ पर टच नहीं कर पाएगा, ये अप यहाँ पर होगा, यहाँ पर टच नहीं कर पाएगा, तो क्या होता है कि मिस हो गया। तो यहाँ पर मिस हुआ यानी क्या कि फ्यूल यहाँ से ऊपर नहीं आएगा। आई होप कि आप समझ रहे हो। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि जब स्पीड बढ़ेगी तो ये बाहर निकलेंगे, ये बाहर निकला तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर इंक्लाइंड करेगा, ये यहाँ पर इंक्लाइंड करेगा तो ये जो कर्व बना है वो कर्व यहाँ पर बन जाएगा। अब जैसे ही केम यहाँ पर टच करता है, केम के साथ साथ ये यहाँ पर टच करता है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और यहाँ पर टच नहीं करेगा और फ्यूल यहाँ पर नहीं मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। यानी कि साइकिल घूमी बट फ्यूल मिला नहीं। तो हीट एंड मिस गवर्निंग में साइकिल कई बार घूमती है जहाँ पर फ्यूल नहीं मिलता है। तो यहाँ पर होगा कि इन हीट एंड मिस गवर्निंग द फ्यूल सप्लाई इज़ कट ऑफ कम्प्लीटली ड्यूरिंग वन और मोर नंबर ऑफ साइकिल। यस, मुझे लगता है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। 2 मिनट में हीट एंड मिस गवर्निंग पूरा समझ लिए आप। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल फॉर कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो को हम बोलते हैं, अपने टर्म्स में बोलते हैं आर, कंप्रेशन रेशियो को। कंप्रेशन रेशियो ऑफ 5.5 विल बी, देखो बात किसकी हो रही है, ऑटो साइकिल की हो रही है। ऑटो साइकिल का कंप्रेशन रेशियो दिया है और मांगा क्या है, थर्मल एफिशिएंसी, और स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल है। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, ऑटो साइकिल है और कंप्रेशन रेशियो है 5.5। तो एयर स्टैंडर्ड की जो थर्मल एफिशिएंसी का इक्वेशन है एयर स्टैंडर्ड की, वो है 1 - 1/r^2 - 1। ये किसके लिए है, ऑटो साइकिल के लिए है, एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल के लिए है। तो अब हमारे पास आर की वैल्यू है और गेमा की वैल्यू, गेमा क्या है, एडियाबेटिक इंडेक्स। तो गेमा की वैल्यू कितनी रहती है, 1.4। यानी कि हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए है थर्मल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - 1/5.5^1.4 - 1। यानी कि हुआ 1 - 1/5.5^0.4। देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। पहले मैं करूँगा 5.5^0.4। जी करते हैं 5.5^0.4 यानी होगा 1.977, यानी 1 - 1/1.978, क्योंकि 7 के पीछे क्या है, 6 है, तो इसलिए 3 डिजिट तक लेके जाएंगे। अब इसको इन्वर्स करेंगे, (r^2 - 1) यानी कि आएगा 1 - 0.506। देख लीजिए, ओके, मल्टीप्लाई बाय -1 + 1 आएगा 0.494। कितना है, 0.494, यानी ऑलमोस्ट मैं इसको बोल सकता हूँ 50%। देख लीजिए आपके सामने कैलकुलेशन है। अब जाते हैं वीडियो पे वापस। तो जिसका कंप्रेशन रेशियो 5.5 है उसकी एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की कितनी आएगी, 50%। आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। डेली बेसिस पे 5 या 10 MCQ हम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।